मैं आज आपको मंथरा की रिचार्ज करना बताऊंगा, रिचार्ज कैसे करते हैं। आजकल क्या है कि इसमें रिचार्ज का इश्यू आ रहा है, तो ई मित्र वगैरह सबके लोगों की ये प्रॉब्लम चल रही है। तो आप अपने घर पर ही ये रिचार्ज कर सकते हो। किस प्रकार होता है, आप किसी कंप्यूटर वाले के पास जाते हो, वो बोलता है, आप बोलते हो रिचार्ज करना है, तो वो बोलता है नहीं होता है, या मेरे को आता ही नहीं, आप ही करो कैसे करो। और वो करता है तो 100-200 रुपये आपके लेता है। तो इससे अच्छा है कि आपका काम 118 रुपये में हो जाएगा। आप गूगल से कर सकते हो, गूगल नेट पे आपको इसका रिचार्ज, इसकी साइट है, मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे जाके आप इसका रिचार्ज कर सकते हो। आपका 118 रुपये लगेगा और 12 महीने का आपका इसका एक्टिवेशन हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको काम ले सकते हो। ये मंथरा डिवाइस है, तो ये क्या है कि 12 महीने बाद आरडी मांग लेती है, तो आरडी आप अपने कंप्यूटर पे घर पर ही कर सकते हो। उसमें क्या पूछेगा आपसे, एक तो मंथरा का सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर आपको ये नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना क्यूआर कोड, ये 7 अक्षरों का है, जो क्यूआर कोड है इसके नीचे लिखा हुआ है, ये सीरियल नंबर रहता है मंथरा का। तो ये आप वहाँ पे रजिस्टर, अगर आपका मंथरा का सीरियल नंबर नहीं मिल रहा है या नीचे से घिस गया है, सीरियल नंबर जो नीचे लिखा होता है बार कोड या क्यूआर कोड के नीचे होता है वो घिस गया है, तो आप सीरियल नंबर कहाँ से निकाले। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो सी पार्टीशन है उसमें आपकी मंथरा इंस्टॉल हुई हुई है, प्रोग्राम फाइल है, इसमें जाना, इसमें जाने मंथरा का फोल्डर मिलेगा आपको, इसमें है MF100, इसको खोलना, ड्राइवर को खोलना, और इसमें जो मंथरा टेस्ट है इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आएगा मंथरा MF टेस्ट करोगे तो डबल क्लिक करते एक मतलब डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये जो खुल गया। इसमें क्या है कि जो मंथरा आपके सिस्टम में लगाई लगी होनी चाहिए, लगेगी तभी ये बता देगा आपको। जो जैसे इसमें जो सीरियल नंबर दिखा रहा है, मॉडल नंबर दिखा रहा है, ये सब आपको दिखा देगा। तो इससे यहाँ से आप नंबर निकाल सकते हो, वहाँ से जब नहीं मिले तो नीचे से घिस गया होगा, तो यहाँ पे आप इसी नंबर को निकाल लेना। स्टेशन जो गूगल पे करोगे ना वहाँ पे ये मांगेगा आपसे, तो यहाँ पे ये डालना है, आपका नंबर डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, और आपकी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आप इसका रजिस्ट्रेशन करना, और उसके बाद आप UPI से इसका पेमेंट हो जाएगा। वो आप सभी के पास आजकल होता है, फोन पे या गूगल पे जो भी है उसकी आईडी है, UPI आईडी है, उससे पेमेंट हो जाएगा। और अपने ऑनलाइन ही QR कोड आएगा, उसे स्कैन कर लेना, उसके बाद आपको पेमेंट कट जाएगा, और 118 रुपये में आपके 12 महीने का एक्टिवेशन हो जाएगा। सीधा साधा कॉन्फ़िगरेशन है, आप कर सकते हो। अब अपने PC में जाना, अपने PC में जाके गूगल पे जाना, गूगल कर लो, गूगल क्रोम किसी हर किसी सिस्टम में मिल जाता है। गूगल कर लिया, गूगल ओपन हो रहा है, यहाँ से गूगल पे आप गूगल, मंत्रा मंथरा RD रिचार्ज, यहाँ से ये आएगा, यहाँ पे ये पेमेंट सिक्योर, यहाँ पे इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करोगे तो आगे ये साइट खुलेगी। देखो यहाँ पे नीचे RD सर्विस है, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करने ये प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पे अपना नाम डाल दो, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और इसमें कॉन्टेक्ट पर्सन कुछ भी डाल दो, नंबर GST नंबर वगैरह कुछ नहीं डालना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी। सबसे पहले अपने वो सीरियल नंबर मंथरा का मैंने बताया था, वो मंथरा सीरियल नंबर यहाँ पे ऐड करना है। ये QR कोड नीचे जो नंबर है वो लिखा हुआ है, एड पे क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पे जो एड
उसके बाद जिस प्रकार अपना अपना एड्रेस है वो एड्रेस डाल लो यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेट है जो अपनी हो वो स्टेट सिलेक्ट कर लो, और ये आपका 100 रुपये का ये GST 18% 118 रुपये आपके लगेंगे यहाँ पे। उसे और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जिससे पे करोगे वो उसका नंबर डाल दो यहाँ पे, अपना पिन कोड एरिया जो भी वो डाल दो। उसके बाद पे ना हो पे करोगे तो यहाँ पे QR कोड आएगा, उससे आप अपना पेमेंट कटा सकते हो। इस प्रकार आप RD सर्विस कर सकते हो अपनी मंथरा की, 12 महीने कर लो या फिर 2 साल ही कर लो, उसके हिसाब से पेमेंट हो जाएगा।